इंडोनेशिया में फिर हुआ समुद्री हादसा, नौका डूबने से 15 लोगों की मौत, 19 लापता, तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। आरएसएस नेता मदन दास देवी का 81 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। भगवान महाकाल की सवारी में शामिल होने जा रहे सीएम शिवराज, इस बार भी नहीं टूटेगा नियम। यूपी के एटा में बड़ा हादसा, नहर में कार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 11वीं परिसर में सुबह 7 बजे से एएसआई का सर्वे जारी, वकीलों के साथ अंदर टीम मौजूद। भांगड़ाबाद में जलस्तर खतरे के निशान के नीचे, सीएम मान ने कहा अधिकारी पल पल की रखें जानकारी। बिहार में अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे चीन के 2 नागरिक, नेपाल बॉर्डर पर हुए गिरफ्तार। शहर की सरकार को सेवा का मंत्र देने आज वाराणसी आएंगे सीएम योगी, बाढ़ की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। बरेली में कांवड़ियों पर पथराव, मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद, 12 लोग घायल, पुलिस ने घेरा इलाका। महिलाओं के साथ सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने घेरा एसपी ऑफिस, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ बुलंद की आवाज। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।